स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक मूलभूत जरूरत है। इसीलिए संकल्प लिया गया है कि देश भर के सभी गांव में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन शुरू किया गया है, ताकि सभी को नल से जल उपलब्ध हो। लक्ष्य है हर घर को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल सहज और सतत मिलता रहे। शुरुआत हुई गांव का एक नजरी नक्शा बनाने से। इसको बनाने में शामिल हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य और गांव के अन्य गणमान्य लोग। फिर बनाया गया प्रशिक्षण औजार या ट्रेनिंग टूल जल का साथी। बैठक में जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति है, जिसको हम पानी समिति के बारे में जानते हैं, आज इस प्रशिक्षण में हम आप इन पानी समिति के विभिन्न पहलुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। आगा खा फाउंडेशन हैज क्रिएटेड ए मॉडल फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट एट विलेज गोठी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहराइच उत्तर प्रदेश। For this, a small filter plant has been set up on the periphery of village pond. The murky water coming out of all the houses of village is collected in this pond. According to an estimate, the quantity of this murky water is about 17,000 liters per day. This electric powered small plant purifies about 5000 liters of water per day. Villagers are using this water in varied activities. तो 10 घरों का जो पानी नाली के जरिए से तालाब में इकट्ठा होता है, वो पानी स्टोर जो इकट्ठा होता है, तो एक ही फिल्टर जो लगाया गया है आगा खान फाउंडेशन के जरिए, वो पानी एक पाइप के जरिए से, एक मोटर भी लगा हुआ है, इससे फिल्टर होकर के इसमें टैंकी रखी है उस पर स्टोर होता है। और इकट्ठा होने के बाद इस पानी को बढ़िया बर्तन धुलते हैं, जो जमीन के नीचे का पानी उसको बचाते हैं, जो गंदा पानी आता है उससे यूज करते हैं। ये पानी से पूरा हमारा गांव इससे बस संतुष्ट खुशहाल है। इसी के बेस पे कुछ समिति बनी इस बेस पे कि जैसे इसका रख रखाव बिजली का खर्चा है ये कहाँ से आएगा। तो हमारे गांव में सब मीटिंग हुआ, मीटिंग में 10 रुपया के हिसाब से महीने के पैसा भी इकट्ठा होता है, उससे बिजली का बिल भी दिया जाता है, और जो पैसा बचता है उससे मशीन की रख रखाव, जैसे कोई खराबी आ जाए या कोई गंदगी ज़्यादा आ जाए तो उससे साफ सफाई भी कराया जाता है। तालाब का पानी भी साफ हो गया है, इका लागे से बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया है, बहुत अच्छा आराम हो गया है सब चीज़ का लिए। सौर ऊर्जा संचालित टंकी की अवधारणा गांव में अब साकार होने लगी है। घर घर नल लगने लगे हैं। नलों से मोटी धार का स्वच्छ पेयजल परिवारों को मिलने लगा है। बम्बा लाग है,
ते कई बम्बन से नहीं पानी उठा जाते, मेहनत कई कई हाथन से, फिर घर घर पानी घर का ले जाओ बल्टियन से नहीं, अब घर में जो है टंकी लग गए पानी, तो इससे पानी नल टंकी से नहीं पानी निखारा जाते, बढ़िया निखारो हाथ मुँह धो, बढ़िया साफ पानी भर के धरो, बढ़िया पीने के लिए ढक के धर लो पियो। पहले पानी जोन है कुआं से और नल से निकाला जा रहा है तो उतना पानी नहीं बढ़िया लग रहा है, जितना बढ़िया पानी आप मतलब ही टंकी ग्यार इस्तेमाल कर लेते आदमी, इतना जोन है पहले नहीं कर पा रहे हैं। और एक तो ये आज उन्हें लाभ हुई टंकी लागे से, और दूसरी बात ये टंकी का जो ऑपरेटर है तो वो जो उन्हें चलावत है टाइम से पानी खोलत है, टाइम से बंद करत है। 30 रुपया घर जो उन्हें लगा है इसका किराया महीना, तो उसका वह तनख्वाह निकाली जाते, बाकी वह माँ टूट फाट जो कुछ होते वो बनावा जाते। नल से जल मिलने पर चेहरे खुशियों से खिल उठे हैं। समुदाय ने अब इस मंत्र को जान लिया है, अपना लिया है। साफ पानी पीना है, साफ पानी पीना है।